और भाई साहब मेरे वीर दी वेडिंग हो, पंजाब में वेडिंग हो और अपने भाई लोगों को ना दिखाऊं ऐसा हो नहीं सकता। आओ अंदर चलते हैं, दिखाते हैं प्यार भाई। सत श्री अकाल जी सारे। तो भाई साहब एंट्री मार ली है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट दिखाते हैं क्या क्या रहने वाला। यहाँ पर सबसे पहले भीड़ लग चुकी है पिज्जे और सैंडविच के लिए, ये चेक करना भाई साहब। और उसके बाद बात करूं ये रहने वाले इनके स्पेशल ब्राउनीज, गुलाब जामुन और बहुत तरह की बेहतरीन मिठाइयां जो आपको यहां पर इस आपको लग्जरी वेडिंग में मिलने वाली हैं। ब्राउनी है और पेस्ट्रीज है और बर्फीज में भी बहुत तरह की क्वांटिटीज है। एक काउंटर से अगला काउंटर जाओगे आपको तरह तरह की बेहतरीन बेहतरीन मिठाइयां मिलेंगी। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हर किसी का ध्यान रखा गया है। ये रहने वाले नॉन वेज सेक्शन, नॉन वेज सेक्शन में ये फिश रहने वाली है और ये ऑमलेट रहने वाले हैं। अरोरा कैटरर्स वालों का कैटरिंग का स्टाइल बहुत अमेजिंग, बार बार लोग प्लेट में डलवा रहे हैं, इसी से मालूम होता है कि यार स्वाद बहुत ज्यादा है। बार बार काउंटर रीफिलिंग हो रही है कि यहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं बहुत ज्यादा वैरायटी में, हर काउंटर में अलग अलग वैरायटी आपको मिलने वाली है। सर गोभी के पकौड़े है सर केड़े है ऐसे आलू, और अगे आ देखो जी जेदे वास्ते लोगों की भीड़ मेन लगी रहती है, पनीर के पकौड़े आगे जी, पालक के पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, शिमला मिर्च के पकौड़े, गोभी के पकौड़े रहने वाले हैं, वेज कटलर्स करो। दो तरह की चटनी दी जाती है, मीठी है इमली वाली पुदीने वाली चटनी है, करना दो तरह के पास्ते रहने वाले। भाई साहब खाना कितना लगा? बहुत वधिया सी, बहुत टेस्टी, ठीक है, वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, कोटा जी वधिया जी, रेंट करा आइटम बहुत वधिया बनाईया ने, सर्विस भी बहुत वधिया सी, बहुत वधिया मेरे, मजा आ गया, मजा आ गया। और खाने की क्वालिटी की बात करूं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रहने वाली है, पनीर का पकोड़ा एकदम सॉफ्ट, बात करूं पेस्ट्री की एकदम बढ़िया फ्रेश और कम मीठी वाली है जो लोग पसंद कर, और बर्फी भी एकदम फ्रेश, सब कुछ जो इधर मिलने वाला वैरायटी बहुत बढ़िया वाली है भाई। और ये भाई साहब रहने वाला चिली चिकन, और ये रहने वाला है लेमन चिकन, ये रहने वाला इनका मॉकटेल सेक्शन, यहाँ पर अलग अलग तरह की मॉकटेल्स बनाई जाती है, अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो। ये रहने वाला इनका कोल्ड ड्रिंक वाला सेक्शन, प्लस ये रहने वाला इनका शेक वाला सेक्शन। भाई साहब मतलब ड्रिंक्स में भी आपको खूब सारी वैरायटी दी गई है, और प्लस वेज और नॉन वेज वालों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है यार। और भाई साहब पंजाब में दुबई के शेकों को लगा दिया यहाँ पर काम पे, और यहाँ पर रहने वाले गर्मा गर्म नूडल चाउमिन जिसे बोला जाता है, उसके बाद ये रहने वाले चार तरह के पानी वाले गोलगप्पे, प्लस यहाँ पर रहने वाली देसी घी वाली टिक्की, भाई साहब ये रहने वाली दही भल्ला पापड़ी चार वाली प्लेट जो कि पाजी अभी फ्रेश तैयार कर रहे हैं, और भाई साहब ये रहने वाली गर्मा गर्म पाजी जो कि दी जाती है इस गर्मा गर्म पाव के साथ मक्खन लगा के। तो कुछ को मक्खन लगाया और कुछ को कम कम मक्खन लगा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लगवा सकते हो। भाई साहब ये रहने वाला गर्मा गर्म डोसा, कभी खाया हो तो कमेंट करना, नहीं खाया तभी कमेंट करना, एकदम बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी डोसे तैयार हो चुके हैं। और ये रहने वाला गर्मा गर्म बड़े विद सांभर, साउथ इंडियन वालों के लिए तो जन्नत है भाई साहब। यहाँ पर रहने वाला फ्रेश रॉ पिज्जा जो कि इधर मेकिंग हो रही है, ये चेक करना, ब्रोकली वेजीज और मक्खन और ये चीज की पूरी लपालप बारिश कर दी गई है भाई साहब, और इसको पकाया जाता है इस ओवन में। भाई साहब देसी स्टाइल भट्टी है, बहुत बढ़िया स्टाइल से मतलब ये पिज्जा तैयार हो। और भाई साहब अंदर भी पिज्जे का काउंटर है, बाहर भी पिज्जे का काउंटर है, दो दो काउंटर पिज्जे के, और दोनों तरफ अलग अलग तरह के बंदे हैं। और आगे रहने वाला फ्रूट वाला सेक्शन, जहाँ पर आपको इंडिया से तो मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रूट, बट एक्सोटिक यानी कि बाहर वाले भी आपको फ्रूट मिलने वाले हैं। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ 1600 ਤੋਂ 1800 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸੈਲਡ ਕੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਾਇਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸੈਲਡ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਕੌਨ ਸਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਰਾਇਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੂੰਗਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਟੇਸਟ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਜੋ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਸੈਲਡ ਕੀ ਤੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋ ਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੁੱਕ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਜਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬਰਬਰ ਕੇ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ,
लुक चेक करना, बहुत ही अल्टीमेट वाली खुशबू आ रही है भाई साहब। आगे बात करूं, ये रहने वाला इनका स्पेशल रायता, ये चेक करो। तो भाई साहब जीरा अजवाइन डाला गया है और मसाले वगैरह डाले गए हैं और एकदम बढ़िया सी लुक। और आगे बात करूं, और ये रहने वाले है रंगीन वेज पुलाव येलो कलर में, बहुत बढ़िया सी टेम्पटिंग की लुक। और ये रहने वाला है वेज रायता, बहुत अल्टीमेट लुक रहने वाली है भाई। यहाँ पर ये रहने वाला है मेन कोर्स में शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ओए होए होए लुक कमाल वाली। और यहाँ पर रहने पालक कोफ्ते, यहाँ पर डाला गया है मतलब पंजाब का प्यार यानी कि वाइट मक्खन। तो ये रहने वाले हैं हमारे कौन से कोफ्ते सर? मलाई कोफ्ता। क्या बात है सर, लुक बहुत अल्टीमेट वाली और वाइट मक्खन तो यूज किया गया सर, मजा आ गया। और दाल मखनी तो यार इसके बिना तो यार वेडिंग और यहाँ ढाबा या रेस्टोरेंट सब कुछ फेल है। और पंजाब में है दाल मखनी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। और दाल मखनी की जो खुशबू है ना बुला रही है गुरविंदर भाजी आके खा लो। तो ये मेथी मटर मलाई रहने वाला है अल्टीमेट लुक। ओए होए अमृतसरी छोले तड़के वाले, बहुत ही अल्टीमेट वाली लुक। पनीर डाला गया और भाई साहब भर भर के मतलब इधर जिंजर धनिया बहुत ही अल्टीमेट नॉर्मल है क्या नॉर्मल वगैरह। और भाई साहब ये रहने वाला मशरूम मटर आलू मेथी येलो दाल, सभी का ख्याल रखा है, बुजुर्गों का स्पेशली ध्यान रखा हुआ है यार। और यहाँ पर रहने वाली मिक्स वेज रंग चेक नोए होए होए होए। और साग रहने वाला यहाँ पर सरसों का साग, लुक थिकनेस ओ कमाल, स्पेशल गांव वाला ही, क्या बात पिंड के नजारे पूरे पूरे। भाई साहब भरता भी रखा बैंगन का, ओ भी कमाल। और ये रहने वाला पंजाब का फेवरेट गाजर मटर। और ये नॉन वेज में रहने वाला मटन, मटन के बढ़िया से अच्छे वाले पीस है, ये चेक करना भाई। और आगे ये रहने वाला चिकन करी, ये चेक करना चिकन के पीस कितना लगा सर? बहुत बढ़िया लगे, मैं दो बार पा लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत तगड़ा लगा, बहुत बढ़िया चीज लगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात यहीं नहीं खत्म होती, यहाँ पर रहने वाला गर्मा गर्म गजरेला गुलाब जामुन। और आ देखो जी ए स्वाद लिते जाते जलेबी ते नार रबड़ी दे, स्वाद ही वखरे है रबड़ी और जलेबी दा। हाँ जी हाँ, खा के गल ही कुछ और बन जाती है, बहुत वधिया लगे जी, बहुत वधिया, कोई कमी पेशी तो नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत वधिया नज़ारा जी। उतना ही थाली में डालें जितना आप खा सको, व्यर मत करना। और दाल चावल सबसे पहले ट्राई करता हूँ गर्मा गर्म, देसी घी का पूरा पूरा फ्लेवर है। और पंजाब की वेडिंग है भाई साहब, पंजाब की वेडिंग में देसी घी ना हो खाने में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो भरपूर मात्रा में देसी घी है, और आपको कम लगे तो लास्ट में एक मतलब काउंटर दिया जहाँ पर देसी घी रखा हुआ है, खूब डलवाए और खाएं। पनीर कढ़ाई पनीर को ट्राई करते हैं भाई साहब, बहुत कुछ है खाने के लिए, एक एक चीज़ का रिव्यू करूँगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं कैटरिंग। मैं कैटरिंग तो बहुत देखी पर आपकी कैटरिंग बहुत बढ़िया लगी। हमारे पास जी 800 रुपए पर प्लेट से स्टार्ट हो जाता है वेज में, और नॉन वेज में 1200 रुपए से। कितनी वैरायटी सी है टोटल? टोटल 492 वैरायटी सी है, आइटम का आइटम के हिसाब से जितना होगा हम सारा करते, कुड़ी ते मुंडा तुहाडा, बाकी सारा काम साडा। सर लोकेशन कहाँ रहने वाली है आप? मैं कला डिस्ट्रिक्ट बरनाला। और बाकी आप मतलब पंजाब में हर स्टेट में अवेलेबल हो? बिल्कुल जी, मैं पंजाब भी बुला लो या दिल्ली भी बुला लो या नॉर्थ इंडिया में कहीं भी, इंडिया में पूरा। ब्रदर है जी मेरे भरा जो नाल हमारा बड़ा ब्रदर है जी, आप ने जी सारे साढ़े हलवाई है जी, ये सारी टीम साढ़े नाल, बॉम्बे टीम अपनी भीरा जी कलसिया वाला, ये सारे अपने नाल काम। मैं तो सारे नु भरा वांगू रखया है। बिल्कुल जी ते मैं कहना कहूंगे कैटरिंग भी करते हो, घर आके खोआ कढ़ांगे है ना, जिथे कहोगे उतो दुद्ध लवेंगे, जिथे कहोगे उतो खोआ लवेंगे, थोड़े घरे करांगे है ना, थोड़े अखा सामने करांगे, जी चीज होगी बर्फी वगैरह सारा कुछ सारे सामने बनूंगा, क्योंकि कल हूं पता आप किसी की सेहत ना खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अपन करके अपन यकीन है भी आप सारी चीज वधिया दे रहे हैं, अगर अखा ने सामने कल आए ना कहते भी हाँ तुम होर कितने बना के लेके आए, बाजार चो मुल का लेके आए, सारा कुछ मिलता थोड़ा पता, पर आप अगले अखा सामने सारा कुछ बनाई। अरोड़ा कैटर जी हैप्पी बेकरी महलकल, अपना मेन बस स्टैंड शॉप है जी, 9876-89145। एक ब्रदर का नंबर है जी 9876-026-97। अब बड़े ब्रदर का नंबर है जी 9780-81333। जाने से पहले अपने भाई को सपोर्ट करना, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सार एंड फॉरएवर, सत श्री अकाल।